हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्ट ब्लॉक चैनल। आज आप लोगों को सुबह का मॉर्निंग जो सफ़र कराता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्लाइमेट है। बरसात हो जाने के बाद मौसम बढ़िया चेंज हो गया, तो निकल पड़े थोड़ा घूमने के लिए। ये चारों तरफ खेती है, इसी एरिया में घूम रहा हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा 2-3 किलोमीटर का रास्ता मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मौसम बढ़िया है और सेहत के लिए अच्छे। थोड़ा सुबह सुबह टहलने और इसे टहलने के बाद एक अच्छा पीर बाबा का एक टेंपल है जो कि बहुत ही माना हुआ एरिया का माना हुआ है। अगर कभी मौका मिलता है पीर बाबा को मंदिर में माता टेक के जाइएगा और जो मनस्कामना है पूर्ण हो जाता है। और ये जो वीडियो में जो लेफ्ट साइड में जो थोड़ा छोटा सा पॉन्ड देख रहे हो जो अभी ग्रीन कलर हुआ है, लेकिन ये तालाब का बहुत फाइनी है। ये तालाब का पानी आप लोग कोई सुबह काम के लिए लेके जाइएगा और गंगा जल के तरह छिड़का के कोई शुद्ध पवित्र काम शुरुआत कर सकते हो। अभी आप लोगों को एंट्रेंस करेंगे ये पीर बाबा का प्रांगण में, हम पहुंचने वाला हूँ, पहुंच गया। लेकिन ये आप लोगों को ये कौन सा एरिया में डिटेल नहीं बोल पा रहा हूँ, ये क्यों ना ये पंजाबी में लिखा है, हम समझ नहीं पाता हूँ। तो ये इधर जो पहले से जो बाबा लोग रहते थे इनका कुछ स्थिति वगैरह फोटो वगैरह लगा हुआ है, परमिशन लिया हूँ। मैं बोला ये फ़ोटो ले सकते हैं, तो हाँ बोला आप फोटो ले सकते हैं। तो मैं लेके मैं अभी इधर भी एक दिन पहले मैं इधर भी उत्तर के तरफ लंगर भी मिलता है, लस्सी पिया हूँ प्रसाद के तरफ। ये बाबा का छोटा सा टेम्पल है, टेम्पल का भी इसमें ज़्यादा कोई जजबल नहीं है, लेकिन इसमें सही मन से जो कुछ मेरे करते हैं वो पूरा हो जाता है। तो हम लोग मौका मिला इसी लोकेशन का दर्शन करने का, तो ये दर्शन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ दर्शन करने कर रहा हूँ। और कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहा है, और इसी बाबा को दर्शन करके उन्होंने मनस्कामना ये है। मेन है ये पुराना, सबसे पुराना तो उनका स्थिति की मूर्ति स्थापना किया है। बोलने की चिंता क्या ना, तो इसी उनको श्रद्धा के साथ आप प्रणाम कर लीजिएगा। और ये पीर बाबा का ये भी है स्थान है, पवित्र स्थान जैसे को तो उनको 2-3 पीढ़ी है, इसमें इनका एक शयन कोखो है उधर साथ में। और इसके चारों तरफ अपना अपना बजरंग बली और कोई कोई किसी जो राजा फोटो वगैरह लगाए, किसी चीज का भी फोटो लगा हुआ है। ये पहले प्राचीन का जो आयुर्वेदिक शास्त्र का, तो इधर भी ये भी उसका वर्णित थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, लेकिन तीन मंदिर है स्पेशली कुछ नहीं बोल सकते इनके नाम पे, जो ना हम भाषा में आते हैं। ये हमारा विष्णु भगवान का भी ये है। उसके बाद में बाहर निकल के आ रहे हैं, तो मंदिर का बाहर साइड का भी नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये बढ़िया मेरे को लगा है,
एक दिन इसका कहानी बहुत रोमांचकर है। पहले इधर क्या, पहले इसी एरिया में कोई खेती वगैरह नहीं होते थे। ये पीर बाबा आने के बाद, बसने के बाद पेड़ पौधा भी नहीं होते थे। पीर आने के बाद इधर ही पेड़ पौधा आने शुरू हुआ, जीव जंतु का भी सी ठहरने लगा धीरे धीरे। तो उसके बाद अभी इधर थोड़ा गांव वगैरह बैठ गया, तो इतना ही था, बाकी कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगे, और हमारा ये हार्ड ब्लॉक 4 का पिक्चर क्वालिटी वीडियो के बारे में कैसे बन रहा है आप लोगों को भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भूल त्रुटि है तो सुधारने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये रोड हेड के पास है ये कनाडा प्रिंस, इधर खेती वगैरह अभी बरसात आ रहे हैं, अभी खेलने आने खेती जुत अभी धान चाश होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।